नाउ वी आर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ अ बैबिनेट कंपनसेटर. बैबिनेट कंपनसेटर को हम लोग सोडियम लाइट के साथ यूज कर रहे हैं. इसमें हम लोग बिफ्री फ्रिक्वेंस निकालेंगे बाय यूजिंग द क्वार्टर वेव प्लेट और इट्सेल्फ आर प्लेट्स. तो इसमें सबसे पहले आपको इसके असेंबली के बारे में हम लोग गाइड करते हैं. सबसे पहले दिस इज द कंडेंसिंग प्लेट. कंडेंसिंग प्लेट क्या करती है, जो हमारी लाइट आ रही है उसको प्रॉपर इंटेंसिटी के साथ हमारे एक्सपेरिमेंट में अलाइन करती है. सेकंड, यहाँ पे एक आपकी कंडेंसिंग कोर प्लेट है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करके पोलराइजर पे आपको विजिबल कराएगी. ये पोलराइजर है जिसके अंदर आपको ग्रेजुएशन रोटेटेड दे रखी है, जिसको आपने इटसेल्फ अपनी रिक्वायरमेंट के कोरिस्पॉन्डिंग सेट करना है. दिस इज द मेन बैबिनेट असेंबली. बैबिनेट असेंबली के इनसाइड में क्या एक निकोल प्रिज्म असेंबली है जो ओवरलैप सैंडविच कंडीशन के अंदर है. जैसी हम लोग इसमें से और इसको अलाइन करेंगे, जैसी ये लाइन अलाइन होगी विद द हेल्प ऑफ द सोडियम लाइट, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये आपका एनालाइजर है जो यहाँ पे आपको इन अ फॉर्म ऑफ स्टेट बैंड्स देगा. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके यहाँ पे आप देखेंगे हाइट एडजस्टर दे रखे हैं. दिस इज द हाइट एडजस्टर, दिस इज द डायरेक्शन एडजस्टर. तो विद द हेल्प ऑफ दिस आपने सबसे पहले इनको अलाइन करना है, अलाइन इन अ फॉर्म ऑफ टेंजेंटली रखना है. उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि इसमें से जो लाइट पास होकर आ रही है आफ्टर द पोजिशन ऑफ 0 0 0, आपको जो लाइट्स है उसमें डार्क या ब्राइट ब्रांड्स मिलेंगे बिफोर कैलिब्रेशन. उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ पोलराइजर सम एक डिग्री सेट करनी है अराउंड 30 से 40 डिग्री. जैसी आप ये 30 से 40 डिग्री सेट करोगे तो आपके जो फ्रिंजेस दिख रही हैं उसके ल्यूमिनस में चेंज आएगा. लेट्स स्टार्ट की वो, ठीक है. नाउ आप ये देखेंगे कि अभी हमारी इनिशियल कैलिब्रेशन हो चुकी है विदाउट एनी एंगल ऑफ रिक्वायरमेंट. तो बिफोर एंगल ऑफ रिक्वायरमेंट आपकी जो आउटपुट है वो किस तरीके से आएंगे, आप देखिए कि जो आपके बैंड्स हैं दैट इज विजिबल बट नॉट इन अ क्लियर पोजिशन. तो अगर आपने इसको क्लियर बनाना है, सी दिस इज इनिशियल बैंड्स है ना, बैंड्स दिख रहा है. सो बिफोर आफ्टर दैट आपने क्या करना है, आफ्टर दैट इसको पोलराइजर के ऊपर लेके आइए और यहां से 30 डिग्री का एंगल सेट कीजिए इनिशियली. अब अगेन आप इसको पोलराइजर को विजिबल कीजिए. अभी भी ब्राइटनेस के अंदर थोड़ा सा वेजिज है जिसको हमारे को रेक्टिफाई करने के लिए ज़रूरत है. अब विद द हेल्प ऑफ दिस एनालाइजर, इस एनालाइजर को आपने देखते जाना है. जब आपको ब्राइट और डार्क कम्बिनेशन का कॉन्ट्रास्ट मिल जाएगा वहाँ पे हम इसको होल्ड कर देंगे. वो कहाँ पे मिलेगा, लेट्स सी. देखो सर, नेक्स्ट सर, इसको देखते जाइए. सी अब इस बैंड के अंदर हम लोग को क्लियरली विजिबल हो रहा है कि डार्क कौन सा है, ब्राइट कौन सा है, ब्राइट कौन सा है, डार्क कौन सा है. एक एक बैंड की इंटेंसिटी हमारे को बिल्कुल क्लियरली विजिबल है एट द पोजीशन ऑफ दिस डिग्री अराउंड 130 डिग्री पे अप्रॉक्सीमेट है. अब आपने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोमीटर, इसके अंदर आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है बिल्कुल, माइक्रोमीटर के थ्रू ये आपको इस तरीके से बैंड दिख रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और इसके बीच में आपको एक लाइन दिख रही है जो इस माइक्रोमीटर के थ्रू कंट्रोल्ड हो रही है, ठीक है. तो अब आपने क्या करना है, इस माइक्रोमीटर के थ्रू सबसे पहले इसको इनिशियल रीडिंग के ऊपर ले, इस माइक्रोमीटर को रोटेट करना है और आपकी जो स्ट्रेट लाइन है उसको फर्स्ट फ्रिंज के साथ ओवरलैप कर देना है. फर्स्ट फ्रिंज के साथ ओवरलैप करने के बाद हम इसकी रीडिंग नोट करेंगे, मेन स्केल प्लस सर्कुलर स्केल मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, दैट इज द एन. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगेन सेकेंड पे शिफ्ट करेंगे, फिर थर्ड पे, ऐसे करके आपको जितने भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं, सपोज करो आपको 3 या 5 फ्रिंजेस दिख रही हैं, तो जितनी भी फ्रिंजेस दिख रही हैं हर एक की आपने मेन स्केल प्लस सर्कुलर स्केल से साथ रीडिंग लेनी है. दिट इज द बिफोर इनिशियल रीडिंग. अब डिफरिफिकेंस करने के लिए क्या होता है, ये होती है इनिशियल के बाद हमने देखना शिफ्ट कैसे निकलता है. इसी पोजिशन को अगेन फर्स्ट के ऊपर लेके जाओ जहाँ पे आपकी फर्स्ट फ्रिंजेस मिली थी. अब हम लोग क्या करेंगे, एडिशनल पार्ट के लिए इसमें माइका प्लेस करेंगे, माइका बिटवीन द पोलराइजर एंड द कंपनसेटिंग प्लेट एट दिस मैनर. और यहाँ पे आपने नेक डाई से देखना है, नेक डाई से आप जैसे ही देखेंगे तो जो शिफ्ट आएगा उसकी जो पोजीशन और बैंड्स है वो शिफ्टिंग लेगी विद सम डिस्प्लेसमेंट. तो जो डिस्प्लेसमेंट हमें मिलेगा वह विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर आपने उसको फाइंड आउट करना है. कि सपोज कीजिए अगर आपकी रीडिंग पहले 10.556 थी तो उसके बाद ये 10.68 के अप्रॉक्स हो जाएगी. तो ये जो शिफ्ट आएगा इस शिफ्ट से आपका डेल्टा बीटा निकलेगा, मतलब दिस माइनस दिस इज इक्वल टू द डेल्टा शिफ्ट. तो उसके बाद हम लोग इसके फॉर्मूले में पुट करेंगे, लैम्डा हमारे को पता है कि हमने 5893 आर्मस्ट्रांग ली है, बीटा शिफ्ट आपका यहाँ से आ गया, उसके बाद आपने डेल्टा निकालना है, दोनों को फॉर्मूले पुट करके आपकी वैल्यू आ जाएगी.
दिस इज द चेंज ऑफ डिफ्रिकेंस। अगर आपने एडिशनल इसका कॉम्बिनेशन इन अ फॉर्म ऑफ कलर करना है तो आप सोडियम की जगह मर्क्यूरी लाइट यूज कर सकते हो, तो उसमें क्या होगा, जो बैंड्स होंगे वो इन अ फॉर्म ऑफ कलर विजिबिलिटीज के से मिलेंगे। तो अगर आप एक पर्टिकुलर कलर के लिए करना चाहते हो तो आपको इसकी जगह पे मर्क्यूरी लाइट यूज करना चाहिए। थैंक यू। नाउ वी आर परफॉर्मिंग सेकेंड पार्ट ऑफ अ बैबिनेट कंपनसेटर फॉर द चेंजिंग इन इलिप्टिकल अरेंजमेंट। इलिप्टिकल अरेंजमेंट के लिए हमारे पास दो ही फंक्शनिंग है, एक है पोलराइजर एक है एनालाइजर। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको इस पोजीशन पे जीरो किया और इसको भी जीरो पे किया, राइट। अब आपने किसी भी एक बैंड के ऊपर क्रॉस वायर को सेट कर दिया, स्ट्रेट लाइन को, ठीक है, जो क्रॉस वायर है ठीक है, इसी पे भी आपने सेट कर दिया, ठीक है। नाउ हम लोग यहाँ से एक एंगल देंगे, सपोज कीजिए मैंने दिया एंगल 60, तो यहाँ पे आपने पहला लिखना है पोलराइजर का एंगल इनिशियली 60 डिग्री, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एनालाइजर को रोटेट करेंगे टिल जो हमारे को फ्रिंजेस हैं वो शार्प नहीं मिल जाती। लेट्स स्टार्ट, इसको स्लोली हम लोग यहाँ पे ऐसे लेकर इसे आपने विजिबल करना है। जो फर्स्ट आएगा जहाँ पे आपको क्लियर मिलेगी फर्स्ट, इसके अंदर दो साइकिल लेगा ये, तो पहले और सेकंड दोनों को नोट करना है। लेट्स स्टार्ट, ये देखिए ये लगभग 2 डिग्री के अंदर ही इसने कितनी अच्छी बैलेंस बना दी, देखिए बिल्कुल। ठीक है, नाउ अब हम जैसे ही थोड़ा सा आगे रोटेट करेंगे आप देखेंगे ब्लर हो जाएगी। लेट्स सी, ये देखिए ये सब ब्लर हो गई। तो दैट मीन्स क्या होता है कि इलिप्टिकल से जो पहले आपको बैंड्स दिख रहे थे उसके बीच में इंटेंसिटी मेंटेन हो जाएगी ड्यू टू द इलिप्टिकल एक्शन। तो इलिप्टिकल एक्शन हमेशा दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, पोलराइजर और एनालाइजर पर। अब अगेन हम इसको रोटेट करते जाएंगे एक साइकिल हमारे को और मिलेगी जहाँ पे वो फिर अगेन शार्प मिलेगा। तो ये दैट इज द सेकंड रेडिक, हमने हमेशा मैक्सिमा ही लेना, मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ बैंड। उसके बाद अगेन इसको दोबारा जीरो पे करो, यहाँ से अब दूसरा डिग्री सेट करो, फिर ये प्रोसीजर रिपीट करना है। ये तो हो गया कि जब हमने एनालाइजर और पोलराइजर कॉम्बिनेशन लेना है। सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या होता है कि इसको हम लोगों ने एक पर्टिकुलर डिग्री पे किया और निकोल प्रिज्म को रोटेट करेंगे, ठीक है, फिर ये प्रोसीजर रिपीट करना है। इस तरीके से दोनों टेक्निक से आपका फॉर्म रोम कंडीशन भी निकल के आती है। फॉर्म रोम कंडीशंस क्या होती है कि आपकी एक ये प्लेट है, प्लेट से आपकी यहाँ पे बीम चली और उसने ऐसे इस तरीके से स्पेक्ट्रम बनाया ना फॉर्म ऑफ स्टेंड बैंड। तो जैसे ही आपने उसको टेढ़ा किया, यानी कि आपने इसको इस पोजीशन से रोटेट कर दिया, तो ये क्या करेगी, फ्रिंजेस इस तरीके से का एंगलाइजेशन ले लेगी। तो दिस इज द फ्रोब अरेंजमेंट अगर आपने सेकंड पार्ट एडिशनल बैबिनेट का करना हो तो। लेकिन इसको अगर आपने डायग्नोज करना तो विद द हेल्प ऑफ मर्करी लाइट ही होगा। अच्छा, ये वाला अगर इस कॉम्बिनेशन को आपने रोटेट करना है, अगर सोडियम से करना है तो इन दोनों के अरेंजमेंट से ही आप इलिप्टिकली को डायग्नोज कर सकते हो। थैंक यू।